नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार के महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के विकास से सीधे संबंधित गौठान में महिला समूह को कई तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए गौठान में उन्हें वर्मी कंपोस्ट धान मिलिंग क्षेत्र में उत्पादन होने वाले दाल की मिलिंग मसालों की पिसाई करके उनके पैकेट तैयार करना, बाड़ियों से कई तरह की सब्जी उत्पादन करना, जिससे होने वाली आय से इन्हें अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में काफी सहयोग मिल रहा है। इन्हें प्रशिक्षण देने में जनपद पंचायत मनोरा के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के दिशा निर्देश और संबंधित विभाग के मार्गदर्शन में महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, जो उन्हें जीविका चलाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मरावी साहब ने बताया कि समूह की महिलाओं को हम छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं के तहत प्रशिक्षित कर रहे हैं, जो उन्हें मल्टी टैलेंटेड बनाने में, महिला सशक्तिकरण में और आत्मनिर्भर करके ग्रामीण क्षेत्र को काफी विकसित करने में सहायक सिद्ध होगा। विशेष तौर पर प्रशिक्षण देने के लिए जरिया पंचायत से शोभनाथ महतो सचिव ने अपने प्रशिक्षण देने वाली महिलाओं का भी जत्था मौजूद थे। गोधन न्याय योजना के तहत गोठान में जन भागीदारी सहभागिता और संचालन के संबंध में महिला स्व सहायता समूह को गोठानों में वर्मी कंपोस्ट का अच्छे से अच्छा क्वालिटी का गुणवत्ता युक्त खाद उत्पादन करने के लिए एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि जो गोबर खाद है उसका रूपांतरण अच्छा हो और जो गवर्नमेंट का मानक है 35 से 40% खाद का उत्पादन होना चाहिए उस अनुपात में हो, और ये उत्पादन का जो समय है वो उस समय पर खाद उत्पादन हो जाए और उसका समय पर बिक्री हो, और गोठानों में जो महिला स्व सहायता समूह जुड़े हुए हैं उसके लिए शासन जो है उनकी आय बढ़ाने के लिए समूह को मल्टी एक्टिविटी के तहत अधिक से अधिक मल्टीविटी दे के उनकी आय में वृद्धि लाएँ।